राजस्थान की हल्दी घाटी की ओर से दिलों में राणा प्रताप लिए हुए अकबरपुर के लोगों को अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। मैं जिस विषय पर कविता पढ़ रहा हूं, मैं उस विषय का थोड़ा सा बस संकेत भर आपको करूंगा। यदि आपने उस संकेत को पकड़ लिया तो मैं दावा करता हूं कि पूरा मैदान तालियों के हुजूम में बदल जाएगा, और यह भी हो सकता है कि हूटिंग में बदल जाए। मैं विषय की केवल जानकारी भर आपको दे रहा हूं। हिंदुस्तान ने 5 अगस्त को कश्मीर में एक बड़ा फैसला लिया है। आप अनुमति दें तो मैं उस देश के बड़े कानून के बदलाव में अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मुझे ज्यादा तालियों की उम्मीद थी, लेकिन मैं चलिए शुरू कर रहा हूं। जैसा भी आपने कहा है, 5 अगस्त को जिस दिन कश्मीर में यह फैसला लिया गया, मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से निवेदन कर देता हूं आप लोगों को। मुझे नहीं पता मेरा हर्ष अगले 2 मिनट में क्या होने वाला है, लेकिन जिनके दिलों में हिंदुस्तान धड़कता हो, मैं दावा कर रहा हूं कि उनकी तालियां हाथ और नीचे नहीं रहेंगे, ये पूरा पंडाल गूंजना शुरू हो जाएगा मेरे अगले एक वाक्य के ऊपर। कितने लोग उसके समर्थन में थे मुझे इस लाइन से पता लग जाएगा। 5 अगस्त के दिन मेरा वाक्य ध्यान से सुन लीजिए, मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। 5 अगस्त के दिन जिस दिन कश्मीर में फैसला लागू हुआ, मैं पहली बार असमंजस में था कि तिरंगा 5 अगस्त को ही फहरा दूं या 15 अगस्त का इंतजार करूं। मैं बहुत दिनों के बाद देश में ऐसा मौसम आया है, जरा मुझे पीछे तक बता दे, मैं शुरू होना चाहता हूं। बहुत दिनों के बाद देश में ऐसा मौसम आया है, अमर तिरंगा कश्मीर में खुलकर के लहराया है। अमर तिरंगा कश्मीर में, मुझे इधर वामपंथ के लोगों से भी तालियां मिलेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। लोगों ने कहा फर्क तो कुछ पड़ा नहीं है, कश्मीर अभी जस का तस है, कोई आतंकवाद में कमी तो नजर आई नहीं। उरी का हमला हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, हमने बदले में 250 लोगों के तहस नहस नेस्तनाबूत कर दिए पड़ोसी मुल्क में जाकर के। लोगों ने कहा कुछ हुआ नहीं है। मैं 2 पंक्तियां मेरे अग्र शिवमुखी से गोमुख से उधार लेता हूं, यही मेरी कविता की भूमिका है। मैं मंच को भी जागृति चाहता हूं, ये मच्छर मच्छर उड़ जाएंगे, बड़े बड़े लोग उड़ा दिए हमने कश्मीर से, बचा क्या है वहां पे। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। क्या बात है। अब मैं जरा दाएं बाएं से मोबाइल को रख दीजिएगा, मेरे पीछे जो मित्र लोग हैं, इससे मेरे तालियों में कमी आती है इतना मैं समझता हूं। बस मुझे पीछे तक बता देना मैं कहां बोल रहा हूं। लोगों ने कहा कुछ फर्क नहीं पड़ा है, मैं बता रहा हूं क्या फर्क पड़ा है। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। इस रेल की सीटी बंद ना कर दूं तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ धमकाना तो है। धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। शुक्रिया, मुझे उम्मीद थी कि आपकी तालियां से दबा देंगी। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। लो हमने दुम सीधी कर दी, अगला कहां जिंदा लोग बैठे मुझे पता लग जाएगा। लो हमने दुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की, जो उछल रहे थे। पीछे तक साथ दे देना मेरे, मैं एक भी लाइन गलत बोलूं तो अपना हाथ खड़ा कर देना कि तुम झूठ बोल रहे हो। और सच के दरवाजे को यदि मैं पहली बार ठोकर देके खोल रहा हूं तो आपके हाथों की कसम मुझे उठना चाहिए था कि जिन लोगों ने संविधान रद्द दी, अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी, उनकी ही चतुराई ने सबकी ऐसी तैसी कर दी अपने मोटा भाई ने। सबकी ऐसी तैसी कर दी अपने मोटा भाई ने। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, कितने लोग समझेंगे मुझे पता नहीं, पर मैं कोशिश कर रहा हूं आप समझें, क्योंकि उनके यहां व्यवस्था, इसलिए मैंने कहा है। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, डॉक्टर साहब एक ऑपरेशन मैं भी कर रहा हूं। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, मैं उनसे कह रहा हूं ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो, अपनी तालियां उधार मत रख लेना समझ में आ जाए तो। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो, सो हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो, सो हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो। अब कान खोल कर सुन ले जग, देशभक्तों को मुझे उधार मत रखना इस बार, अब कान खोल कर सुन ले जग, माफी का काम नहीं होगा, जो आंख उठेगी भारत पर उसका।
ही नाम नहीं होगा। जो आंख उठेगी भारत पर उसका ही नाम नहीं होगा, जो आंख उठेगी भारत पर उसका ही नाम नहीं होगा। विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आने वाले 2 साल में ये लाइन सच हो जाए। क्या बात लगेगा ये 2 लाइन सच कर दे मिट्टी अंबेडकर नगर की। विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा। सिंधु तक के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। सिंधु तक के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। सिंधु तक के सब बाकी विधानसभाओं के संसद के नजारे देखो तो हंसी आती है। वहां का एक सांसद कह रहा है 18 किलो का बम, 16 किलो का बम, 14 किलो का बम। सालों ने बम भी तोल तोल के बना रखे। मैंने कहा हमने क्या वहां पर आलू की दुकान खोल रखी है दिल्ली के अंदर। वहां का एक सांसद छाती कूट कूट के कह रहा था हम भारत से राजनयिक संबंध समाप्त कर रहे हैं, हम भारत से व्यापारिक संबंध समाप्त कर रहे हैं। बड़ी बारीक बात बोल रहा हूं, समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा। हम भारत से व्यापारिक संबंध समाप्त कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगा जैसे कंगला अब्दुल पंचर वाला ये कह रहा हो MRS कंपनी से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा आज के बाद। विश्वास रखो, मेरी लाइन दिल्ली पहुंचा देना जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। हमारे विधायक जी बैठे हैं तो आपके मतलब की बात उन तक कहना आपके बड़े प्रधान से। विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। मत सोचो कि क्या होगा परिणाम युद्ध की भाषा का। हमके सपना पूरा कर दो 1.25 अरब की आशा का। हमके सपना पूरा कर दो 1.25 अरब की आशा का। हमके सपना पूरा कर दो 1.25 अरब की आशा का। डॉक्टर साहब एक खुशी आपसे बांट लेता हूं। 2 साल पहले मैं आया था अंबेडकर नगर में। उसके बाद जब मैं आज आया हूं एक छोटी सी वृद्धि मेरे पोर्टफोलियो में हो गई है। मैं भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय में इस समय मैं हिंदी सलाहकार के छोटे से पद पर डेप्यूट हो गया। तो मेरे मिनिस्टर ने कहा कि विनीत कविताएं यहां सुनाना बड़ा आसान है, कभी वहां गए हो जहां -36 डिग्री में हमारे बेटे बंदूकें लेकर के खड़े हैं। आज जितने हमारे पुलिस के वर्दी के लोग यहां खड़े मैं सैल्यूट कर रहा हूं इनको। किन विपरीत परिस्थितियों में हमारी सेना वाहन निकम्बों की सुरक्षा करे मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं जितने गुस्से में बता रहा हूं मुझे बोलते शर्म आएगी, आपको सुनकर शर्म आएगी। कविताएं तो मैं सुनाया सर, लेकिन मैं जैसे श्रीनगर एयरपोर्ट से दिल्ली उतरा एक वीडियो मेरे मोबाइल पे वायरल हो चुका था। हमारे कुछ सैनिक बैरकों से वापस लौट रहे, कंधों पर राइफलें टंगी हुई हैं और वहां के बदतमीज लड़के उनके गालों पे तमाचे मार रहे हैं और वो सैनिक कुछ बोल नहीं रहे। उन्हें ठोकरें मारी गई, उनके हेलमेट पैरों में पड़े हुए हैं लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। मैंने दिल्ली से पूछा सर ये क्या हो रहा है, चले ये तो इनके धैर्य की परीक्षा है। अंबेडकर नगर वालों मेरी 2 लाइन पर आपकी तालियां थप्पड़ की तरह गूंजे इस पूरे पांडाल में। मैंने कहा माफ करना साहब ये कोई धैर्य की परीक्षा नहीं है, ये 70 साल में राजनीति जो कायरता के बीच कश्मीर में बो दिए हैं हमारी सेना को गालों पर तमाचे के रूप में झेलने पड़ गए हैं और कुछ भी नहीं है ये। मैं उस दिन कुछ नहीं बोला। मैंने बड़े कवि हरिओम पवार जी को फोन किया तो उन्होंने 2 लाइन मुझे व्हाट्सएप करके दी। मैं जानता हूं हरिओम जी इस समय सो रहे होंगे, मेरठ में आराम फरमा रहे होंगे, लेकिन यदि आपको लगे कि जो बात आप कहना चाहते थे वो बात हरिओम जी ने 2 लाइन में पूरी कर दी है तो उनकी नींद में खलल डाल दीजिए, मैं उन्हें याद कर रहा हूं। सेना के गालों पर तमाचे और आपका गुस्सा हथेलियों पर आ जाना चाहिए। किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में, मैंने आधी लाइन पढ़ दी, आधी लाइन आपकी चमत्कार के रूप में खड़ी हो जाए। किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। मुझे ज्यादा तालियों की उम्मीद थी लेकिन मैं कम ताली में पढ़ रहा हूं, सुनेगा कि पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से। लोगों ने कहा क्या जरूरत थी 370 हटाने की, कारण मैं बता रहा हूं, अच्छा लगे मुझे बताइएगा कि पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन सारी घटनाओं का बस निपटारा मजबूरी था और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग जग गए इस समय, और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। बहुत हो चुका मोदी जी, मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं कहां खड़ा हूं, किसके सामने खड़ा हूं और क्या बोलने जा रहा हूं। कुमार और मैं हम इस मंच के वो 2 कवि हैं जिन्होंने मोदी जी के सामने कम से कम 12 बार कविताएं पढ़ी हैं। मेरी पहली पुस्तक का विमोचन मोदी जी ने किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं उनके चरण चुमन की भाषाएं पढ़ना शुरू कर दूं। विनीत चौहान जो बोल रहा है उसे पहुंचाइए वहां तक। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो। सहमत हो तो तालियां बजाओ वरना हुटिंग कीजिएगा, आजादी मैं दे रहा हूं।
युवा को। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो, आस्तीन के सब सांपों को दूध पिलाना बंद करो, अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक पर लटका दो। अच्छा लगा मुझे देशभक्त लोग जिंदा, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक पर लटका दो, इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। इस वर्दी को हौसला देना, मैं इनके समर्थन में एक लाइन पढ़ रहा हूं बस, इतना खून। समझदार लोगों, वर्दी के समर्थन में मैंने आपसे एक बार ताली मांगी बस, इसके बाद नहीं मांगूंगा। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए, और सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए, बागी हो जाएं, इनको खुली छूट दे दो कि दुश्मन को खंजर भौंके और पड़ोसी की छोली में गद्दारों के सिर सौंपे, तभी जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, और पड़ोसी याद रखेगा। जवाब में क्या बात, लेकिन पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम है जिसे 12 साल तक नली में रखो तो भी प्रश्नवाचक चिन्ह बन के बाहर निकलती है। मुझे पता लग गया कि इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे बैठे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब समझते हैं। वहां का अच्छी बात है, मेरे युवा दोस्त काम के वहीं बैठे हुए हैं, मुझे पहले नहीं पता था, वरना कविता डायरेक्ट वहां फ्लाई ओवर कर रहा होता मैं। अभी भी वहां का एक लड़का कह रहा है पाकिस्तान का, हमें इंच इंच कश्मीर चाहिए, इंच इंच कश्मीर चाहिए। अरे मैंने कहा बाढ़ आई हुई है कश्मीर में, लीटर में ले ले दो चार। क्या नहीं, पूरा का पूरा चाहिए। अरे मैंने कहा पूरा तो हमारे पास ही नहीं है, अमित शाह मोदी जी लगे रहे तो दो एक साल में पूरा भी हो ही जाएगा। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, एक सबक सिखलाया था पहले भी उसके पापों को। मैं आपकी ऊर्जा को आमंत्रित कर रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ अगली लाइन पर आपकी तालियां खामोश न रह पाएंगी, कि लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, एक सबक सिखलाया था पहले भी उसके पापों को, इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची ले लोगे, इस कश्मीर के चक्कर में। वो मोहल्ला जग गया तो मुझे वहां तक कविता पहुंचानी पड़ेगी। इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे, तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से, तब 1,00,000 सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड केवल हमारी सेना के नाम गिनीज बुक में दर्ज है। 52,000 सैनिक थे पड़ोसी मुल्क के पास में, और विद वेपन थे। भारत के एक जनरल अरोड़ा के पैरों की जूतियां चाटने लग जाएं, ऐसी कायर फौज केवल पाकिस्तान के पास में है। और वो कहता है कि मुझे इंच इंच कश्मीर चाहिए, तब 1,00,000 सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। ये अलग बात, तब से हमने सीमा पर विस्तार पाल लिए, कश्मीर देश का मस्तक है। मैं बुलावल भुट्टो पर कोई तोप तमंचा बंदूक खर्च नहीं कर रहा, उसकी महबूबा का नाम भर ले रहा हूं, उसे नींद आ जाए तो मुझे बता देना। कश्मीर देश का मस्तक है, ये बिलावल तक पहुंचे इस बार आपकी तालियां। कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है, ये रणचंडी माँ दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है, ये रणचंडी माँ दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है, ये सोच खून का रिश्ता है, हर गलती को सह लेते हैं, तुम चचा जान के पोते हो सो माफ तुम्हें कर देते हैं, तुम चचा जान के पोते हो सो माफ तुम्हें कर देते हैं, वरना जितने हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा। इस लाइन पे मुझे पता लग जाएगा भाजपा वाले कहां बैठे हैं, कांग्रेस वाले कहां बैठे हैं। असल में भाजपा वाले आजकल इतने जोश में हैं, इतनी गर्मी में हैं कि कोल्ड ड्रिंक भी उबाल उबाल के पी रहे हैं, मारने वाले के पीछे लठ लेके इतनी ताकत से दौड़ते कि वो पीछे रह जाता और ये लठ लेके आगे निकल जाते। पहले हमारा चौकीदार सब ठीक कर देगा, हमारा चौकीदार, उसे दूसरे वालों को पूछो भैया जी आएंगे वहां चढ़ाते हुए और पाकिस्तान के साथ चाय की कुफियों के चुस्कियों के साथ खत्म कर देंगे। माफ करना साहब, दोनों पार्टियों के लोग सुन लें और मिट्टी के लोग फैसला कर देना मैं क्या बोलना चाहता हूं। पाकिस्तान के साथ जिस दिन संबंध ठीक होंगे वो कॉफी और चाय की प्यालियों के साथ ठीक नहीं होंगे, सेना के जूते की नोक के बलबूते पर ठीक होंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं आपके पास। मैं अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं, आपने ठीक ठीक ताली बजा दी तो मैं एक छोटी कविता पढ़ दूंगा, वरना मेरा काम हो चुका है। वरना जिस दिन हम चाहेंगे
और कुमार जानते हैं जब मैं वहां कविता पढ़ रहा था, हमारे सैनिक बंदूक लेके ऐसे बैठे हुए थे, उस पर बर्फ जमी हुई थी पिताजी जी। मैंने जैसे ये दो लाइन पढ़ी है, उन्होंने इतने गुस्से में बंदूक भींची कि बर्फ पिघल करके पानी में तब्दील हो चुकी थी। मैं कोशिश करूंगा वो गर्माहट आपके हथेलियों से वहां तक पहुंचा दूं, वरना जिस दिन हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा। सेनानी ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा, सेनानी ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा, सेनानी ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा। क्या गुरु के बंदे मुझे अचानक दिख गए, मैं एक भी पगड़ी को देख लूं तो उसे गुरुद्वारा मान करके सलाम कर लेता हूं। दुर्भाग्य इस मुल्क का यह है सर कि हमने पगड़ी को चुटकुलों की कोम बना के छोड़ दिया। मेरी पंक्तियां वायरल है पंजाब और कनाडा के अंदर जो मैं इस समय बोल रहा हूं। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई आजादी के संग्राम में, इसके बाद यदि आप इसे चुटकुलों की कोम कहते हो तो मेरा दुर्भाग्य होगा कि मैं आपको समझा नहीं पाया। आजादी के पहले संग्राम में 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है। आपकी तालियां इस आंकड़े को पूजनीय बना सकती है। 93 बेटे सिख माँ की कोख ने दिए थे उसके लिए। ये छोटी कौम नहीं है सर, क्या बात है। पवार जी ने कहीं लिखा था, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी का, हम इनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके दो दो बेटे चिन गए दीवारों में। क्या बात है। इतिहास में उदाहरण नहीं है किसी माँ के चार बेटे हुए और इस तरह बलिदान हुए जैसे गुरु गोविंद सिंह के चार बेटे। दो बेटे सर हिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। के युद्ध में बलिदान हुए। फतेह सिंह और जोरावर सिंह को जब दीवार में चुना जा रहा था तो छोटे भाई की गर्दन ईंटों तक आ गई तो बड़े भाई की आंखों से आंसू आने लगे। मैं मामले को थोड़ा गंभीर कर रहा हूं लेकिन सुनिए, जरूरी है इस समय। बड़े भाई की आंखों में आंसू आई तो छोटे भाई ने धीरे से कहा, बड़े भैया मृत्यु सामने देखी तो रोने लगे, डर गया गुरु गोविंद सिंह के बेटे? बड़े ने कहा, नहीं डरा नहीं हूं। कह रहे, फिर रो क्यों रहे हो? मेरे रोंगटे खड़े हैं। जो बात उस बड़े भाई ने कही छोटे को, उसने कहा, छोटे डरा नहीं हूं। कहना, फिर रो क्यों रहे हो? कहना, रो रहा हूं तो सिर्फ इसलिए कि इस दुनिया में पहले आया मैं था और जा तू रहा है। क्या कलेजा रहा होगा उसका। फतेह सिंह शोर से बोला, मैं आपकी कमजोर तालियों के बीच में दो लाइन पढ़ रहा हूं। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, रखो ईंटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। उधर चमकौर से अजीत सिंह 16 साल के थे ही कितने बड़े, 9 साल के और 8 साल के बेटे तो दीवारों में चिनवा दिए थे। गुरु परंपरा के लोग बैठे हैं, जानते हैं जब बेटे युद्ध में जाते हैं गुरु गोविंद सिंह के, तो माँ को कलगी बांधनी पड़ती थी। माँ थी नहीं सुंदरी देवी वहां पर, मैं ऑथेंटिक बोल रहा हूं इस बात को। तो गुरु गोविंद सिंह ने खुद कलगी बांधी उनके बच्चों के, कहा जाओ युद्ध के लिए, मैंने 7 सर देने का वादा किया अपने दादा से, अभी 5 शीश चढ़े 2 बाकी। अजीत सिंह बलिदान हो गए तो अंतिम बार कलगी टाची गुरु गोविंद सिंह ने, जुझार सिंह के मस्तक को चूमा और कहा, जाओ धरती माँ तुम्हारा बलिदान होने के लिए इंतजार करती है। जुझार सिंह 2 मिनट बाद ही वापस लौट आए, 40 सिंह बचे थे केवल उसके पास, गुरु गोविंद सिंह पास गढ़ी के अंदर। तो गुरु गोविंद सिंह समझ गए कि बेटा डर गया है, फिर भी धीरे से पूछा, लाज रखना इस लाइन की जो मैं कहने जा रहा हूं। कह रहे, वापिस कैसे आ गए? जुझार सिंह ने कहा, पिताश्री प्यास लगी है, पानी पिला दो। गुरु गोविंद सिंह ने आंखों में लाल डोरे भरे चिल्लाते हुए बोले, शर्म नहीं आती रणक्षेत्र में खड़े हो? शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा लेते? बलिदानी कौन के नाम, मुझे ज्यादा तालियों की उम्मीद थी आपसे, शुक्रिया। चारों बेटे बलिदान हो गए तो गुरु मां तक सूचना पहुंची। गुरु मां रोने लग गई, गुरु गोविंद सिंह के पास गई, कह लगी, मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूं। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, बलिदानी कौम ऐसा सोच भी कैसे सकती है? उसने कहा, मेरी कोख खाली हो गई है, मैं जीऊं तो जीऊं किसके लिए? गुरु गोविंद सिंह ने एक उत्तर दिया, सर मत बजाना विनीत चौहान की कविताओं पर, जो मैं आगे कविता पर ताली बजाऊं, लेकिन 2 लाइन, काश मैं इस मुल्क में अधिकार पाता विधायक जी, तो मैं इन 2 लाइनों के हिंदुस्तान के हर एयरपोर्ट पर लिखा देता। गुरु गोविंद सिंह ने 2 लाइन कही और गुरु मां का सारा भ्रम दूर कर दिया। गुरु मां ने कहा, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार। इस बार मुझे आपकी तालियां भी खड़े हाथ से नहीं मिली तो मुझे लगेगा मैं कविता छोड़नी पड़ेगी मुझे। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार, अरे 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार, 4 मरे तो क्या हुआ।
अपनी राजगद्दी मिली। यह हिंदुस्तान की कौम थी जिसके बलबूते पर यह देश सुरक्षित था। हमारा एक बेटा गया, मेरा अचानक मन हो गया कुमार, अभिनंदन पर कुछ कहा नहीं गया अभी तक, आप अनुमति दें तो मैं उस विंग कमांडर अभिनंदन पर दो लाइन कह दूं। मुझे अचानक याद आ गई, आपने देखा वो शेर का बच्चा जब वहां खड़ा था कॉफी का मग लिए हुए, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? हमारे पत्रकारों ने डॉक्टर साहब एक नया शब्द प्रयोग किया, बॉडी लैंग्वेज क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है? पांच गुंडे मिल जाए चौराहे पर सर मुंडी नीचे हो जाती है। जिस पाकिस्तान से आज तक कोई लौटा ना हो वो कॉफी का मग लिए हुए शेर का बच्चा ऐसे खड़ा था। वहां के कर्नल ने पूछा, व्हाट वाज द मिशन विंग कमांडर, तुम्हारा मिशन क्या था यहां आने का? आप सब जानते हो उसने वो कागज खा लिए थे, अंदर पचा लिए थे, वो रहस्य केवल विंग कमांडर जानता था। वो गया क्यों था? उसे दो मिनट नहीं लगाई, कॉफी का एक सिप लिया और धीरे से कहा, आई कांट टेल यू व्हाट वाज मिशन बट इट इज माई ड्यूटी फॉर माई कंट्री। मैं उस शेर के लिए दो लाइन पढ़ रहा हूं, सूरज को कैद रखा कुछ दिन, कुमार दो लाइन कविता की हैं। राजन जी यहां बैठे, गीत के बड़े ऋषि बैठे हुए हैं, मेरे पास कविता के नाम पर दो लाइनें, बस आज की रात इनकी लाज रखना। सूरज को कैद रखा कुछ दिन उस पागल से अंधियारे ने, मैं अनवर जलालपुरी की जमीन पर खड़ा हूं, शायरी के महाकुंभ के सामने कविता पढ़ रहा हूं। सूरज को कैद रखा कुछ दिन, बस अगली लाइन पर मुझे लौटाना तालियां, मैं फट से दूसरी कविता पढ़ दूंगा। सूरज को कैद रखा कुछ दिन उस पागल से अंधियारे ने, दो दिन में ही हार मान ली झुककर चांद सितारे ने, दो दिन में ही हार मान ली झुककर चांद सितारे ने, वो चक्रव्यूह के बीच घिरा, अब मुझे लगा आप सुनना शुरू हो चुके हैं, वो चक्रव्यूह के बीच घिरा पर अभिमन्यु सा बना रहा, पागल श्वानों के बीच घिरा वो बबर शेर सा तना रहा, पागल श्वानों के बीच घिरा वो बबर शेर सा तना रहा, वो कौरव दल के बीच घिरा पर कुरुसेना से डरा नहीं, अभिनंदन का अभिनंदन है वो जयद्रथों से मरा नहीं, अभिनंदन का अभिनंदन है वो जयद्रथों से मरा नहीं, अभिनंदन का अभिनंदन है। कश्मीर वालों से पूछो ये बवाल क्यों कर रखा है, कह रहे हमारी आइडेंटिटी खत्म हो रही है, स्वायत्तता मिलनी चाहिए हमको, कश्मीरियत खतरे में है, अपने कलेजे पे हाथ रखना। क्या भोजपुरी गीतों की आइडेंटिटी 70 साल में खत्म हुई? क्या लिट्टी चोखे की आइडेंटिटी खत्म हुई? क्या मीरा के भजनों की आइडेंटिटी खत्म हुई? क्या राजस्थान के दाल बाटी चूरमे की आइडेंटिटी खत्म हुई? इन निकम्मों की आइडेंटिटी खत्म होती है वहां पर। ऑटोनॉमी की मांग नहीं, 52,000 बेटे खो दिए हमने कश्मीर के अंदर, तिरंगे में लिपट कर रोज सब आते हैं, उसके बावजूद यदि आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो मुझे कहने का हक दीजिए, मैं सबसे कड़वा बोलने जा रहा हूं। कश्मीर से हम एक फूटी कौड़ी नहीं लेते, बीमार प्रांत है कश्मीर, उसके बावजूद वहां यदि परदेशी झंडे लहराए जाते हैं तो विनीत चौहान को हक दीजिए कि मैं बोलूं, कश्मीर वो बेवफा औरत हो चला है जो खाता हमसे है, पीता हमसे है और नैन मटक के पड़ोसी से करना चाहता है। ऑटोनॉमी की मांग नहीं, मैं अंतिम कविता पढ़ा, मुझे विदा कीजिएगा, ऑटोनॉमी की मांग नहीं, ये टेस्ट हो का नारा है, ठंडी झीलों से निकला जो जलता सा अंगारा है, उन बेटों से गद्दारी है जो पर्वत पर सोए हैं, ना इंसाफी है उस मां से जिसने बेटे खोए हैं, तुमको भी फारूंगी इसका, आपकी ताली कश्मीर पहुंच जाए मुझे अच्छा लगेगा, तुमको भी फारूंगी इसका, सचमुच ध्यान रहा होता अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता। आप थक तो नहीं गए ना, तो 2 मिनट मेरे साथ रहिएगा। अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता, तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, जाते पाकिस्तान वहां पर तुम उनके पीएम होते, फारूक जी अगर पाकिस्तान का कुछ इतिहास पढ़े होते, फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते, फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। ये तो हम हैं जो गद्दारों को कुर्सी दे देते हैं, आस्तीन के सब सांपों को छाती पर सह लेते हैं, कोई रण में जीती भूमि भी वापिस कर देता है, कोई सेना के लोहू को शाही से धो देता है, कोई मजहब के नारों से अलग देश बटवाता है, कोई उग्रवादियों से जाकर हाथ मिलाता है, लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। मैं हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे बड़े व्यक्ति पर उंगली उठाने जा रहा हूं, होंगे वो किसी पार्टी के बड़े नेता, लेकिन हिंदुस्तान उसकी बड़ी गलती को आज तक रो रहा है, गा रहा है। मैं नाम लेने की हिम्मत करूं, आप ताली की हिम्मत करना, लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था, नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था, नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था। अच्छा होता अगर पटेल और
पता नहीं कितने लोग समझेंगे मैं बोल तो रहा हूँ, अच्छा होता अगर पटेल कुछ लोगों को झटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते। शुक्रिया। कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते, फिर ना कश्मीर का झंझट, ना खूनी होली होती, ना बंदूकों के साये में मेहंदी और रोली होती। अगर कबूतर श्वेत नहीं,